आधुनिकता के इस दौर में लोग चाइना जैसे बर्तनों और दीपकों का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दीपक आने के कारण मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों की रोजी रोटी छिनती जा रही है। गांव गैयरा का एक परिवार वर्षों से इस काम को करता चला आ रहा है और वो त्योहार पर गांव-गांव जाकर इन बर्तनों की बिक्री करता है। दीपचंद का कहना है कि अब इस काम में मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। बर्तन बनाने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चाइना के माल को ही पसंद कर रहे हैं और उनके बर्तनों को कोई नहीं खरीदता। मैं ये मजदूरी करता हूँ, आप लोग ज्यादातर चाइना का माल खरीदते हैं, हमारे माल कोई नहीं पकड़ता एवं हमको कुछ नहीं बच पाता है। कितने लोग लगते हैं इसे बनाने में? 3-4 लोग लगते हैं, कई दिन लगते हैं, बस साल में एक दिन आता है। तो मजदूरी नहीं निकल पाती इसमें? नहीं निकल पाती है, ऐसे ही है। कैसे आप लोग ज्यादातर चाइना का माल खरीदते हैं, मजदूरी कहाँ से निकल पाए हमारी? आधुनिकता के इस दौर में लोग चाइना जैसे बर्तनों और दीपकों का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दीपक आने के कारण मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों की रोजी रोटी छिनती जा रही है। गांव गैयरा का एक परिवार वर्षों से इस काम को करता चला आ रहा है और वो त्योहार पर गांव-गांव जाकर इन बर्तनों की बिक्री करता है। दीपचंद का कहना है कि अब इस काम में मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। बर्तन बनाने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चाइना के माल को ही पसंद कर रहे हैं और उनके बर्तनों को कोई नहीं खरीदता। मैं ये मजदूरी करता हूँ, आप लोग ज्यादातर चाइना का माल खरीदते हैं, हमारे माल कोई नहीं पकड़ता एवं हमको कुछ नहीं बच पाता है। कितने लोग लगते हैं इसे बनाने में? 3-4 लोग लगते हैं, कई दिन लगते हैं, बस साल में एक दिन आता है। तो मजदूरी नहीं निकल पाती इसमें? नहीं निकल पाती है, ऐसे ही है। कैसे आप लोग ज्यादातर चाइना का माल खरीदते हैं, मजदूरी कहाँ से निकल पाए हमारी?